अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एनटीपी इस्लामिक चैनल में आप सबका खुशामदीद। खानाए काबा का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारका किस नबी से मिलती थी? ऑप्शन ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। गिबत करने वाला क़यामत के दिन किस शक्ल में उठेगा? ऑप्शन है ए गाय की शक्ल में, बी कुत्ते की शक्ल में, सी खिंजीर की शक्ल में, डी चूहे की शक्ल में। सही जवाब है कुत्ते की शक्ल में। किस इंसान से अल्लाह ने दोस्ती करने से मना फरमाया है? ऑप्शन है ए बेनमाजी से, बी झूठा से, सी काफिर से, डी शराबी से। सही जवाब है काफिर से, यानी काफिर से अल्लाह ने दोस्ती करने से मना फरमाया। सबसे पहले रुए ज़मीन पर किस मस्जिद की तामीर हुई? ऑप्शन है ए मस्जिद हराम, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद कुबा, डी मस्जिद आयशा। सही जवाब है ए मस्जिद हराम। किस नबी ने सबसे पहले अपनी और अपने औलाद की मग़फ़िरत की दुआ मांगी थी? ऑप्शन है ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के ग़ार में कितने दिन रखा गया? ऑप्शन है ए 2 दिन, बी 4 दिन, सी 10 दिन, डी 7 दिन। सही जवाब है डी 7 दिन। किस इंसान से मिलने पर गुनाह माफ़ हो जाते हैं? ऑप्शन है ए भाई से, बी मेहमान से, सी दोस्त से, डी मस्जिद के इमाम से। सही जवाब है बी यानी मेहमान से। मेहमान से मिलने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो कौन सी नमाज है जिसकी आखिरी सफ में नमाज अदा करना अफजल है? ऑप्शन है ए नमाज मगरिब, बी नमाज जनाजा, सी नमाज ईदैन, डी नमाज इशा। सही जवाब है बी नमाज जनाजा। किस नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? ऑप्शन है ए नमाज तहज्जुद, बी नमाज तौबा, सी नमाज चाश, डी नमाज इशराक। सही जवाब है डी नमाज इशराक, यानी नमाज इशराक को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है।